श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनो तेज को रिशा मायुगल को, पल पल करो प्रणाम पिया जी को, पल पल करो प्रणाम। जलंधर आत्म संबंधी दाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुनसा जी, तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्राणनाथ प्रागट्य दिन के उपलक्ष्य में हम इस विषय को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री लालदासी खुद मित्तक साहेब की चौपाई को लेकर हम आगे बढ़े। सवन 1675 भाद्रोवदी 14 नाम प्रथम जामोर वार रवि, प्रगटे धनी श्री धाम, प्रगटे धनी श्री धाम। आलार देश पुरी नौतन उदर बाई धन, केशव ठाकुर पिता कहियत ता श्री राज प्रगटन, ता श्री राज प्रगटन। अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम आसमाय के धाम दिल में विराजमान होकर अपने स्वरों में मामती जी कह रही है कि आज प्राणनाथ प्रागट्य दिन के उपलक्ष्य में हम प्राणनाथ कौन है उसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन हम पहले इन दोनों चौपायों का भाव रखेंगे। आगे बढ़े, देखिए आसमाय के धाम दिल में पांचों शक्तियां विराजमान हुई, इसलिए आसमाय को भी महामती की शोभा मिली थी कि इंद्रावती की आत्मा को मिली, दूसरी मामती की शोभा आसमाय की आत्मा को मिली। सुंदर साजी विक्रम संवत 1675 में भाद्रो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रविवार के दिन प्रातः 9 बजे श्री मीराज जी का जन्म हुआ, जिसमें अक्षराती श्री राज जी ने विराजमान होकर लीला की। ये पहले चौपाई का भाव है, ठीक है, हम दूसरी चौपाई के भी भाव को समझ ले पहले, बाद में हम विषय को लेकर आगे बढ़े। आलार प्रांत में नौतनपुरी नगर में श्री मीरा जी के पिता केशव ठाकुर एवं माता धनबाई का जो निवास था, वहाँ श्री मीराज जी का जन्म हुआ, मतलब इसके तन का उसके धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षराती श्री राज जी ने लीला की। उपरोक्त जो हमने ये चौपाई बढ़ी, उसी के जो चौथे चरण है उसी में एक चौपाई में लिखा है कि प्रगटे धनी श्री धाम, और दूसरी चौपाई के चौथे चरण में लिखा है श्री राज प्रकटन। तो उसी का आशय क्या है या धाम धनी का कहने का भाव यही है कि मिहराज जी के धाम हृदय में अक्षराती श्री राज जी ने प्रकट होकर लीला की। देखिए आपने श्रीमद भगवत गीता के माध्यम से भी सुना है कि नैनम छिदंती स्वस्त्राण के आत्मा कभी गर्भ में नहीं जा सकती, जो जन्म लेता है वो जीव लेता है, ठीक है, तो अक्षरादित कभी माता के गर्भ में नहीं जाते, या जन्म हुआ है मीराज जी के तन का, लेकिन उसी के अंदर अक्षरादित सिराज जी का आवेश आया, इसलिए सिराज प्रकटन कहा गया। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो रज में जब हम गोपिकाओं के तन में जब ब्रह्मात्माओं ने प्रवेश किया, उसी तरह एक जागृत ब्रह्मांड में तेजबाई के अंदर भी किशोर अवस्था के तन में ही अमलावती की आत्मा ने प्रवेश किया, तो जब आत्मा प्रेम से अपने प्राणेश्वर को पुकारती है तो जागृत ब्रह्मांड में
हर आत्माओं के दिल में सूक्ष्म स्वरूप से राज्य विराजमान है नाम दिल में, ठीक है। इसी तरह नामदनी का आवेश श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विक्रम सन 1715 में जब प्रबोधपुरी अरसा में मीराज जी का जाना हुआ और इंद्रावती की आत्मा विरह में डूबकर जब विरह की पराकाष्ठा की अवस्था प्राप्त की तब दामदनी युगल स्वरूप ने दर्शन दिया और धाम दिल में विराजमान हुए, ठीक है। उसी तरह सद्गोधनी देवचंद्र जी उसी को भी विक्रम सन 1678 में, ठीक है, जब तीसरा बार दर्शन हुआ तभी देवचंद्र जी के धाम दिल में भी युगल स्वरूप विराजमान हुए। तो इसीलिए प्रगटे धनी श्री धाम या श्री राज प्रकट लिखा गया है। हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए देखिए, अब तक असंख्य ब्रह्मांड बन गए और भविष्य में भी बनेंगे। इस पंच भौतिक त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड में अनहोनी घटना के रूप में, कैसे अनहोनी घटना के रूप में से राजी और सखिया का अपने आवेश स्वरूप और सुरता से आना हुआ। वेदों की रुचाएं जिस अक्षर अक्षरातीत को खोजती रही, दर्शन ग्रंथ भी जिस सत्य को पाना चाहते हैं, संतों की वाणियां जिस सत्य की ओर संकेत करती है, और इतना ही नहीं बाइबल भी जिस प्रेम के स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास करती है, कुरान की आयतें जिस अल्लाह तला खुदा तला का वर्णन करना चाहती है, वो प्राण सुंदर साहब जी कहते हैं ना कि जो आवसी रे आवसी सब कोई कहते, आगमी करते पुकार इस सत्वाणी सबों की सत्य करी, सब आए करो दीदार। वो प्राणनाथ आए, वो अक्षरातीत को पाने के लिए युगो युगो से ऋषि मुनियों की समाधि नहीं टूटी, आंखों की पलखे पर ब्रह्म के दर्शन के लिए तरसती रही। सबका लक्ष्य तो अक्षरातीत ही रहा, लेकिन निराकार तक ही पहुंचे, उसकी पूर्ण प्राप्ति तो जब तक श्री प्राणनाथ जी की वाणी इस संसार में नहीं आती तब तक संसार के लिए अप्राप्य ही रहा। आगे और हम विषय को लेकर बढ़े तो सुंदर साजी, आपने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से भी सुना होगा और ये मैं आगे भी बता दिया कि आत्मा जन्मती नहीं मरती नहीं और उसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी गीला नहीं कर सकते। तो देखिए परमात्मा कभी ये गर्भ में नहीं आते, ये आवागमन के चक्र में नहीं आते, वो त्रिगुणातीत है, त्रिगुणात्मक नहीं है, वो मन वाणी बुद्धि और शब्द से परे है। तो इससे विपरीत जितने भी अवतार हुए उन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए प्राणनाथ जी को कभी अवतारों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। वो अक्षरातीत प्राणनाथ है जो तीन गुण सब द्वंद्वों से परे, सब शब्दों से परे, वो मन वाणी से नहीं पाया जा सकता, ये आत्मा के धरातल पर ही दर्शन हो सकता है। इस संसार में इसकी सत्ता है, स्वरूप नहीं। स्वरूप से परमधाम में सच्चिद आनंद के रूप में लीला कर रहे वो प्राणनाथ है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी थे, आज भी है, जब ये संसार का महाप्रलय हो जाएगा तब भी ये अखंड परमधाम रहेगा, श्री अक्षरातीत का स्वरूप रहेगा। उसको कभी उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता, उसका कभी विनाश भी नहीं होता। वो प्रेम और आनंद के सागर है वो प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, आज हम प्राणनाथ के विषय पर, मतलब उसका स्वरूप कैसा है, उसी विषय पर आज हम बहुत एक गहराई से भाव में हम डूबेंगे और प्राणनाथ के स्वरूप को हम जानेंगे। वो मूल स्वरूप से परम धाम में विराजमान है, क्योंकि आज जी की वाणी भी कहती है ना, ये मूल स्वरूप बीच धाम के खेल में जामे दोई विराजमान है। आवेश स्वरूप से महामती के धाम दिल में और निस्मत के स्वरूप से ये सब ब्रह्मात्माओं के
दिल में सुंदर साहब के दिलों में विराजमान है वो प्राणनाथ है। वो हमसे कभी अलग नहीं थे और आज भी नहीं है। हम अंग संग है, जैसे सागर से लहरें अलग नहीं होती, जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं होती, उसकी किरणें सूर्य से किरणें अलग नहीं होती, हाथ से उसकी अंगुली नहीं अलग होती, उसी तरह हम भी धामधनी के अंग है। वो हमारी प्राण नली से भी निकट है, उसके बिना तो हमारा जीवन ही निरर्थक है। जीवन के आधार प्राणाधार ही प्राणनाथ है। तो प्राणदास सुंदर साहब जी, वैसे अनंत सृष्टियों के अस्तित्व के जो मूल आधार है, सभी आत्माओं के जो प्रियतम है, सर्वशक्तियों के जो मूल स्त्रोत है, ऐसे प्रियतम ही हमारे प्राणनाथ। प्राणनाथ कोई तन का नाम नहीं, कोई देवता भगवान नारायण या ब्रह्म भी नहीं, पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे, तीन पार के भी पार, ईश्वरीला अद्वैत सच्चिदानंद पर ब्रह्म का अपना आवेश शक्ति द्वारा श्री मेराज ठाकुर नामक तन, इंद्रावती की आत्मा जिस तन में अंदर जब अंदर प्रवेश किया, पांचों शक्तियों ने विराजमान हुई, इसलिए वो मामती कहे गए। वही आवेश शक्ति का नाम ही प्राणनाथ है। इसलिए तो इंद्रावती कहती है कि वचन मेराज से प्रकट न होई, मामती खेले अपने लालसो जो अक्षरातीत कहियो। तो मेरे प्राणदास सुंदर साहब जी, ये दोनों चरण जो मैंने अभी बोले, इस चरण से आपको समझ में आ गया होगा कि मेराज तो केशवराय ठाकुर के पुत्र है, ये एक तन का नाम है। देखिए, मामती जी भी इंद्रावती की आत्मा के अंदर जो बैठी है, उसको महान शोभा मिली, क्योंकि पांचों शक्तियां विराजमान हुए किसके अंदर, इंद्रावती के धाम दिल में। तो तन जीव आत्मा शक्तियां और सिराजी का आवेश सब अलग अलग लीला कर रहे हैं। इसीलिए हम तारतम मंत्र में भी बोलते हैं ना कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। दूसरे तीसरे चरण को देखिए, सो तो अब जाहिर भये सबविद वतन सहित। तो मेरे प्राणों के आधार, प्राणों के प्यारे लाडले सुंदर साहब जी, हमारा पांचों दिन, पहला ब्रज का, दूसरा रास, तीसरा श्री मोहम्मद साहेब, चौथा श्री दस सतगुरु धनी देवचंद्र जी, और पांचवें से प्राणा जी, और छठा तो हमारा ही है। तो पांचों दिन लीला करने वाले हमारे प्राणनाथ ही है। चाहे व्रज का कृष्ण का तन हो, या चाहे रास का तन हो, चाहे चौथे दिन में लीला श्री देवचंद्र जी के तन से हो रही है, या पांचवें दिन है मिराज जी का तन हो। देखिए, अलग अलग समय में लीला रूप में चाहे कोई भी तन, लेकिन पांचों दिन में मूल स्वरूप आवेश स्वरूप एक ही रहा है। इसीलिए तो देवचंद्र जी उसी राज जी ने श्याम जी के मंदिर में बोला कि अंदर बैठे आकार में, चाहे कच्छ के रण में पठान के रूप में हो, या बाल मुकुट के रूप में सिराज जी ने दीदार दिया, क्योंकि ब्रह्मधाम से सिर्फ ने सिर्फ आवेश शक्ति ही आ सकती है, नूरी तन नहीं, और यहाँ से स्थूल शरीर भी ऊपर नहीं जा सकता। आप ब्रज की लीला में सुना होगा कि कैसे इस ब्रह्मांड को छोड़कर श्री कृष्ण जी एवं 36,000 सखियाओं ने तन छोड़ा, और जब ब्रज में सखिया के रूप में परमधाम की सुरता ही थी तो आई थी, तो क्या मूल तन परात्म तन ब्रज में आया क्या? मैं आपको ये प्रश्न पूछती हूँ, मैं आपको प्रश्न इसलिए पूछती हूँ कि मूल तन नहीं आए तो राज्य कैसे आते हैं? इसीलिए सुंदर साहब जी, सत्य को ग्रहण करे, अब वाणी के वचनों को समझे और आत्मसात करे कि वाणी क्या कहती है। हम कोई स्थान या व्यक्ति से न जुड़े, वाणी से जुड़े, वाणी के अनुयायी बने। हाँ, आप सबके वचन सुने, किसी की अवहेलना ना करें, लेकिन प्रभावी भी तो ना चले। आपकी
आत्मा की पुकार को अवश्य सुने। उसकी क्या आवाज है? जो वाणी कहती है वो है या कोई दूसरा कहता हो है? देखिए, आप लक्ष्मीदास जी के दृष्टांत से जो मिथक सामने बताया ना, इसलिए देखिए वो घटनाक्रम जो लिखा गया है ये हमारे लिए ही है। राजी ने स्वयं आके बोला था ना लक्ष्मीदास जी को कि भाई आठवें दिन के बाद ये सकुमार की जागनी मैं आपके तन के द्वारा ही करवाऊंगा, ये वादा किया था ने। देखिए, लेकिन ये शोभा तो महामती जी को थी, पूरे संसार को अखंड करने की। सुख शीतल करूं संसार, तो क्या जो राज्य ने बोला था वो हुआ? नहीं। आठवें दिन में राज्य अंतर ध्यान हो गए। जब लक्ष्मीदास जी ने पूछा ने, तो देखिए तो वाणी के कथन को ही अंतिम सत्य माने। स्वयं राज्य ने बोला वही होगा, जो वाणी कहती है वही होगा। सुंदर साजी, तो वाणी जो कहती है ना वही होगा। सुंदर साजी, तो आगे हम देखें कि वाणी के कथन को ही अंतिम सत्य माने, इसलिए तो धामधड़ी ने बोला सुनियो दुनिया आखरी जो भाग बड़े हैं तुम, और कई देवदानव हो गए कई तीर्थंकर उतार, किन सुपने न श्रवणो सोईत मिलिया नरनार। देखिए, युगो युगो से तुझे खोजने वाले कई संसार के जीवों की आंख, युगो युगो से तुझे खोजने वाले कई संसार के जीवों की आंखें तेरी बाट देखते देखते पथरा गई है प्रियतम। लेकिन दुखों की नाभाग्नि से पूरा संसार धधक रहा था। संसार के सभी जनों को शीतलता प्रदान करने वाला प्रेम आनंद और शांति के सागर, मेहर के सागर, तुम्हारी आत्माएं तुझे पुकार रही है। ये किसकी पुकार है? इंद्रावती की आत्मा की, और हमारी सबकी भी यही पुकार। तुम अमृत की वर्षा क्यों नहीं करते? सब दिलों को शीतलता प्रदान क्यों नहीं कर रहे हो? ये इंद्रावती की पुकार थी, आज हमारे दिलों की भी वही पुकार है। धनी भी ये पुकार सुन के आए, क्योंकि अधिकार पा लिया ना इंद्रावती ने, तो उसी की आवाज सुन ली। तो सुंदर साजी, राजी तो सबके लिए है। बादल बरसिया रोहल्ला, देखिए हमने हमारा मटका ही उल्टा कर दिया या मटके में ही छेद है, तो हम कैसे समझ पाएंगे? धनी तो सबके लिए आए, सबके लिए एक ही पुकार है। तो यहाँ क्या बोला? धनी मेरा प्रभु विश्व का जो प्रगटिया है परवा। तो आज सुंदर साजी प्राणदार मेरे आत्म के सुंदर साजी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगले चरण में क्या बोला? धनी मेरा प्रभु विश्व का। तो आज प्राणनाथ को किस किस रूप में संबंधित कर रहे हमारे समाज, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये गुनाह जो हम करेंगे ना, तो हम क्षमा के पात्र नहीं है। संसार के लिए तो वाणी क्या कह रही है, इस संसार के लोगों तो बेचारे को बेचैन नहीं है, इसलिए वो तो भगवान प्रभु संत अवतार कवि कई कई शब्दों से वो पुकारेंगे, उन बेचारे का कोई दोष नहीं है। देखिए, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ आप समझ रहे हो ने? लेकिन बेचैनने के बाद भी जो गुनाह कर रहे हैं ने, बेचैन के बाद भी हम नहीं मानते ने, ये बहुत बड़ी हंसी है। सुंदरता जी, ये हंसी का ठोर है, आप सावधान हो जाइए। सब हंसी सोहेली, लेकिन ये हंसी सही ना जाए। या कईयों ने जीत के भी बाजी हारी है, पता ये माया ने किसी को नहीं छोड़ा है। पहले प्रकरण में तो पढ़ते हैं, सुख सनकादिक को नोटली लक्ष्मी नारायण को फरी वली, विष्णु वही कोटली दा माह सागर शिखर न में किया गया है, ये ऊपर में सुख हो। तो देखिए, सावधान हो जाइए, ठंडा जी को पहचान लीजिए। तो भैया जीतने के बाद भी बाजी हारनी, मतलब हार गए संसार,
इसलिए अब सचेत हो जाइए। और दामदनी ने सामने ये भी बोला, और देखत गठोर ई थे तुम रोसो करो विचार। धनी के दिल की पहचान अनादिकाल से परमधाम की लीला में रहते हुए भी हम नहीं कर पाए थे सुंदर साजी, वो सुख लेने के लिए आए हैं और हमने सूत नहीं काटे, दूसरे का टकला भी तोड़ दिया। कितना मीन सूत काटने के लिए आए थे और पैरों पर पैर लगा कर बैठ गए। और आगे तुम्हें क्या कहूँ, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, हम ब्रह्मात्मा है, ये तो ब्रह्मात्मा का बहुत बड़ा भ्रम है सुंदर साजी, हम तो प्रेम के सागर है। राजी ने क्या लिखा, ये रोहे तुम इश्क सागर, तुम सब दिल मेरा इश्क, ये रोहे तुम सब मेरे तन हो, हम तो प्रेम के सागर है, अब तक जो शब्दातीत था वो प्रेम, वो रस संसार को पिलाने के लिए ही तो प्राण आता है। बताया ने कि प्रेम ने दुनिया में ने इतला ही ब्रह्म सृष्टि, तो देखिए ब्रज में प्रेम तो आया, लेकिन नहीं घर की पहचान थी, नहीं नीच स्वरूप की थी, नहीं धनी की थी। रास में धनी की तो हुई, लेकिन घर की भी नहीं हुई। तो देखिए ये देखन की थोर, ये जगह, ये अवसर अभी मिला, आज दिन तक योगी ऋषि मुनियों को प्राप्य रहा, एक बूंद भी न पाया इन रसना को। त्रिदेवों ने और हम भी आपस में कितनी ईर्ष्या द्वेष द्रोणा ये अग्नि में जल रहे हैं। तो दूसरे को प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे, दूसरों को शीतलता प्रदान करने के लिए आए थे। सोचिए सुदर्शना जी, थोड़ी अंदर की आवाज़ सुनिए, अंदर जाके आप चिंतन करिए। राजी ने क्या बोला, जिन्हों जैसा चाहिए तासो मिले तीन बार, बात तो ठीक है, लेकिन हम रूप के झगड़े में पड़े, स्वरूप की पहचान ही नहीं की, इसलिए देवचंद्र जी को परमधाम के पूर्ण श्रृंगार में राजी ने क्या बोला, खेला स्वरूप जो वृंदावन, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, और हम सुबह भी राज्य का जो बोलते हैं या स्वरूप। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप अपनी अंतरात्मा से जवाब दीजिए। हम सुबह जब बोलते हैं किसी राज सी टकराणी जी प्रथम भव में विराजमान भाई, तो ये हम रूप बोलते हैं या स्वरूप। सुंदर साहब जी आगे और सुनिए, अब बंदो सदगुरु चरण को जब ये मंगलाचरण बोलते हैं, तो सदगुरु कौन है, वो भी देवचंद्र जी का तन नहीं, वो तन में विराजमान सुंदर भाई श्यामा जी स्वरूप, युगल स्वरूप विराजमान हुए उस धाम दिल में, किस सुंदर भाई के धाम दिल में, इसीलिए उसको सतगुरु कहा गया। और सतगुरु मेरा श्याम जी, पीछे क्या बोला, सतगुरु मेरा श्याम जी में ए निस चरणे रहो, सन्नमंद मेरा याई सो मेरे ताते सदा सुख ले हो। श्री देवचंद्र जी के धाम दिल में विराजमान सत्य स्वरूप श्री राज जी ने श्यामा जी के जो संबंध अपने साथ जोड़ा, मतलब श्यामा जी को अपनी पहचान दी, तीसरे दर्शन के बाद उस सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी कहलाए। सदगुरु एक आवेश का नाम है, तो श्यामा जी के प्रियतम भी श्री राज जी हैं सुंदर साज जी, और श्यामा जी के अंकों ने हम सब सुंदर साथ। उसके बाद बिहारी जी गद्दी पर आए, अतन भाई के धनी भी कौन बने, सदगुरु कहलाए कौन, जो श्यामा जी के धाम दिल में मतलब सुंदर भाई के धाम दिल में जुगल स्वरूप बैठे थे वो कहलाए। उसके बाद वही श्रृंखला में उसके बाद केसर भाई तेजस्वी बाबा को भेजा गया, छत्रसाल जी ने भेजा, तो आज वही श्रृंखला में ये 14वें आचार्य श्री महाराज श्री विष्णुमणि महाराज श्री है। तो देखिए जब हम मूल में पहुँचेंगे ने, तो ये महाराज श्री के कौन है, आगे धर्मदासी उससे आगे धनीदासी उससे आगे श्रृंखला में जाए तो मूल में कौन है, कौन है, सदगुरु हमारे
श्याम जी मतलब अक्षराती दामदरी। तो मूल में तो सदगुरु सुंदरसा जी एक आवेश का नाम है, तो सदगुरु तो मूल स्वरूप ही रहेगा, ठीक है। तो हम रूप में न पड़े स्वरूप की पहचान करें, इसलिए तो हम बोलते हैं कि सब दिलों में लीला करने वाले हमारे धनी श्री श्यामा श्याम, हमारा भाषा ही निज धाम। इसी तरह श्री प्राणनाथ निज मूलपति हम बोलते हैं न, श्री मेराज सुनाम। देखिए इस चरण का भाव क्या है, अब आगे सुनिए, आप आगे सुनिए कि देखिए ये चरण का भाव भी क्या है। जिसका नाम मतलब तन का नाम मेहराज है, उस तन में इंद्रावती की आत्मा ने धाम दिल में जो आवेश शक्ति विराजमान हुई, वही हमारी आत्मा के मूल पति है, प्रियतम है, हमारे प्राणनाथ है। उसी तरह तेज गोरी जी को भी मेहराज जी की पत्नी का नाम है वो, ठीक है। लेकिन तेज गोरी जी के अंदर अमलावती की आत्मा के धाम दिल में युगल स्वरूप विराजमान हुए, उसी को बोला कि तेज कोरी श्यामा युगल को बल पल करो प्रणाम। और आगे सुंदरसा जी कहो तो प्राणनाथ जी के विषय में कि प्राणनाथ जी के समान अभी कोई न हुआ है न कोई होगा। हम जो भाई बोलते हैं ना सनंद की कि दूजा कोई मरद न के आवी एक मेहंदी पाक पुरण, खेलसी मिल रास जागनी 36,000 सयन, तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी न कोई क्या है, कई ब्रह्मांड हुए कई वो ऐसी लेकिन किन ब्रह्मांडो ना है। तुम्हें प्राणनाथ जी के विषय में और आगे कहो तो प्राणनाथ जी के समान न कोई हुआ है न कोई होगा, न भूतो न भविष्यति। प्राणनाथ जी के अंदर सच्चिदानंद परब्रह्म ने स्वयं लीला जाति की है और कर रहे हैं। उनके हृदय में जो ज्ञान का प्रकाश उदित हुआ, ये रोशनी पार के पार की सबसे पहले जो प्रकट हुई, इसके साथ प्राणनाथ जी के हृदय में ज्ञान प्रेम भक्ति एवं वैराग्य का एक ऐसा समुद्र उमड़ा हुआ है कि जिसकी एक बूंद भी कृपा के प्रसाद में जो हमको मिल जाए ना, तो ये बूंद संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का रास्ता प्रदान करती है। हाँ, श्री प्राणनाथ जी का हृदय, इस हृदय से प्रकट होने वाली ज्ञान रूपी गंगा में सभी विचारधाराएं सभी संकीर्णताएं सभी मार्ग सभी संप्रदाय सभी पद्धतियां सभी अलंकार सब समाहित हो जाते हैं, अनेकता में एकता में परिवर्तित हो जाती है, अनेकता एकता में परिवर्तित हो जाती है। और इसमें भी डुबकी लगाने वाला हर व्यक्ति हर आत्मा अपने आप को वाहदत और एकत्व की वो भूमिका को पाती है कि उसका हृदय झुक जाता है, उसका ही हाथ भी झुक जाता है। सुंदरसा जी आंखें नम हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है और हृदय में बस यही आवाज निकलती है कि हे मेरे प्राणेश्वर, हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण जीवन, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, अब केवल तुम ही तुम हो, अब केवल तुम ही तुम हो। हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे कब आओगे, मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे कब आओगे। तो यही आवाज निकलेगी सुंदरसा जी। देखिए और भी आगे हम प्राणनाथ जी आगे विषय को लेकर समझे तो वेदों में भी क्या कहा गया, वेदों कहिया आओ से बुद्ध ईश्वरों का इस। देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि नारायण आदि ईश्वरों का भी ईश्वर जो सच्चिदानंद परब्रह्म है वो इस संसार में प्राणनाथ जी के स्वरूप में आएंगे। जिस अक्षरातीत ने महराज में मोहम्मद साहेब जी क्यामत के समय में आने का जो वादा किया था ने, जो आए हैं जागरणी ब्रह्मांड में सुंदरसा जी, वही प्राणनाथ के स्वरूप में आकर
हम सभी आत्माओं को जगा रहे और संसार को संदेश दे रहे। एकमात्र परब्रह्म का स्वरूप ही प्राणनाथ है और वही प्राणनाथ की पहचान दे सकता है कौन, ये वाणी। तो आगे ये शोभा केवल श्री प्राणनाथ जी की ही है। देखिए 1100 साल पहले ही मोहम्मद साहब ने जो पुकार की थी ने कि जब क्यामत के समय में प्राणनाथ जी आए तो उसी समय उनकी पहचान करने के लिए आप सावधान हो जाना, सावधान रहना, उसी समय मैं भी दोबारा आऊँगा। ये आज से सुंदर सा जी 1400 साल पहले भी देखिए कुरान के माध्यम से ये आगवाणी कही गई थी। भी अवसर आयो हाथ चेतन कर दिए प्राणनाथ। देखिए प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करने का ये सुनहरा अवसर है। हम जो ये अवसर गंवा देंगे ने, हम बोलते हैं संभारो साथ अवसर आयो से हाथ जी। पहले फेरे हम जेब से नाख्या फिर निसंग डारो ये आप जी। सुंदर सा जी पहले फेरे देखिए ये वाणी नहीं थी। प्राणनाथ जी की भी पहचान अभी अंधेरे में की थी, मतलब पूरी नींद में, तो भी हमने कैसे ब्रज को एक क्षण में जैसी बांसुरी बजी योग माया ब्रह्मांड में, तो हमने एक ही क्षण में इस भवसागर को एक गौपदवत संसार कर दिया था, भवसागर को छोड़ दिया था। तो आज तो 18,758 चौपाई रूपी तारतम वाणी की बांसुरी बज रही है। तो क्या हम अपनी अपनी अंतरात्मा को सब सुंदर साथ पूछ ले कि हम गुनेगार तो नहीं बन रहे हैं? देखिए प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करने का ये सुनहरा अवसर है। अपनी तारतम वाणी से हम सावधान भी हमको कर दिया है। हमें जगाने के लिए श्री राज जी, प्राणनाथ जी, श्री देवचंद्र जी के तन को छोड़कर श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रकट हो गए। चाहे वेद हो या कथे हो, दोनों में हमारी साक्षियां हैं। स्वयं श्री प्राणनाथ जी हमारे धाम हृदय में सूक्ष्म स्वरूप से विराजमान होकर सभी रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। ये अवसर मिला है सुंदर साहब जी, ये कलयुग, इसीलिए तो कलयुग को धन्य कहा गया। ये भी अंतिम समय, तो हम तो कितने सौभाग्यशाली है। मिथक में भी लिखा है न कि दीप बंदर में पधारे श्रीराज। दीव में भी कौन आए, हमारे प्रियतम प्राणनाथ पधारे थे अपनी आत्माओं को जगाने के लिए। तो प्राणदास सुंदर साहब जी, हम सब ब्रह्मात्माओं के मूल आधार श्री प्राणनाथ जी, मूल के बिना हमारा क्या अस्तित्व कभी हमने सोचा है? जब एक पेड़ को जड़ से जमीन से उखाड़ दिया जाए तो उसका क्या अस्तित्व रहेगा? थोड़ी दिनों में तो सूखने लगेगा, थोड़े दिनों में वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए हमारे मूल में जो है वो प्राणेश्वर, प्राणाधार, प्राणनाथ है। और शतुति में भी क्या लिखा, वो ते प्रगट पधारिया छो आडा देवो छो रजने रास। सुंदर साजी साक्षात युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी इस जागणी ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं। इसीलिए हे साथ जी, और आगे भी कान है आपने त्रुठा सी प्राणनाथ। तो बार बार ये प्राणनाथ प्राणनाथ ये कौन है? मतलब ब्रजरास में भी आत्माओं ने धनी को तो रिझाया था, किंतु निद्रा में रास में भी आधी नींद रही, अब जागनी लीला में जागरूक तो होकर ही जा रहा है। सुंदर साथ जी अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग तीन लीला, चौथी घर की चारों खया में भोग। तीनों लीला की ये चौथे जो जागनी रास की लीला चल रही है ना, इसी में ये पूरा आनंद लुटने का ये अवसर है। तो हम इस अवसर को कैसे भूले, क्योंकि हम प्रियतम प्राणनाथ को पूर्ण रूप से रिझा सके जो हम पहले नहीं रिझा सके थे। फिर आगे भी बोला, तुम्ही उतर आए और से इत तुम्ही क्यों मिला। बोलो प्राणनाथ जी ही सुंदर सा जी परम धाम से आवेश द्वारा आकर श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए और उन्होंने ही ब्रह्मवाणी का अवतरण कर सभी को परम धाम की पहचान दी। कोई तो प्राणनाथ है
वही अक्षरातीत हमारे प्राणों के आधार प्राण घन प्राणेश्वर प्राण प्रियतम प्राणेश सकल गोंडिदा सर्वशक्तिमान श्री जी, कभी ठट्ठा नगर में तो कभी मस्कत अबासी तो कभी मंदसौर के पहाड़ों में दर दर भटक रहे। दशा जी क्यों भटकते हुए अपनी आत्माओं को जगा रहे? वो हमारी हम आत्माओं को खोजने के लिए निकले सुंदरसा जी, उसके लिए तो एक चुटकी का खेल था, लेकिन हमारे लिए रात को रखी नेक रखी राहत खींच के सो भी वास्ते तो किसके लिए? हमारे लिए, जिसके इशारे से एक क्षण में भी करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते, वही प्राणेश्वर कभी सर्दी की ऋतु में तो कभी बारिश की मौसम तो कभी गर्मी के थपेड़े खा रहे हैं। इसके लिए हमारे लिए इस ऐसी तरह सुदशा जी श्यामा जी की कसनी को देखो, कई कसनी कसी प्रेम सेवा में ना की ओभंग, कई कसौटी करी दुलीन सो कारण हम सब सयन। हमारी श्यामा जी देखिए 40-40 साल तक खोज करती रही, ये भी हमारे लिए। हमारी प्राण नाथ जी की गरिमा को समाज में हम गरिमा बढ़ाइए नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कलंकित करने का तो दुस्साहस कभी मत करिए। अब वाणी को जन जन तक फैलाने का दृढ़ संकल्प करें। जो सतगुरु ने सबसे प्रथम दास जी भाई के घर जागने का मिशन अभियान प्रारंभ किया था, अंतिम पांचवें दिन में भी श्री जी ने जब अपनी लीला प्रत्यक्ष लीला जब ओझल कर रहे थे तो श्री जी ने जाहिर में महाराजा छत्रसाल जी को जागरी का उत्तरदायित्व सौंपा। वही श्रृंखला में आज छठे दिन में आज हमारा सबका कर्तव्य है, जागो और जगाओ और हमारा कोल पूर्ण करके मूल तन में आओ, जागृत हो परात्म तन में। यही भाव के साथ सुंदरसा जी आपके श्री चरणों में मेरा कोठान कोट प्रेम प्रणाम जी।